Students, again welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Maasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 12, chapter number 4, membership. Dear students, आज इस वीडियो के अंदर मेंबरशिप का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंबरशिप में से टर्मिनेट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मेंबरशिप में से हम कैसे निकल सकते हैं, तो उसकी बहुत सारी जो है स्टेप्स है या तो फिर पॉइंट्स भी कह सकते हो, तो जिसके टोटल 8 पॉइंट्स है। इस 8 पॉइंट्स से मेंबरशिप में से टर्मिनेट हो सकते हैं। देखते हैं डिटेल्स में क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट दिया गया है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। कोई एक पर्सन है वो शेयर जो है ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि सेल कर रहा है फुली शेयर या तो फिर हाफली शेयर सम अदर पर्सन को जो है शेयर जो है सेल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ओल्ड पर्सन का नेम जो है मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर में से डिलीट हो जाएगा और नए पर्सन का नेम जो है वो एड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ट्रांसफर ऑफ शेयर के थ्रू भी हम जो है मेंबरशिप का एंड कर सकते हैं। देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया गया है। टेक्स्ट बुक में दिया गया है व्हेन एन एग्जिस्टिंग मेंबर सेल ऑल द शेयर्स बाय हिम टू अनदर पर्सन बाय शेयर ट्रांसफर मेंबरशिप इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर किसी एक पर्सन ने शेयर को सेल कर दिया दूसरे पर्सन को, तो ओल्ड पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप में से डिलीट हो जाएगा और नए पर्सन का नेम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मेंबरशिप का एंड हो सकता है। क्लियर टू ऑल। सेकंड पॉइंट इज बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका मेंबरशिप में से भी नेम जो है वो निकल जाता है और नए पर्सन का नेम ऐड हो जाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया क्या है, व्हेन अ मेंबर्स अ पास अवे और बिकम अ इंसॉल्वेंट और इज अ डिक्लेयर ऑफ द अनसाउंड माइंड देन अ शेयर्स आर ट्रांसफर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन दिस सिचुएशन द नेम ऑफ द ओरिजिनल मेंबर इज डिलीटेड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड डिक्लेयर होता है या तो फिर वो उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस पर्सन का नेम मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर में से डिलीट हो जाता है और नए पर्सन का नेम जो है वो एड हो जाता है। तो इस तरीके से भी मेंबरशिप का एंड हो सकता है। क्लियर टू ऑल। थर्ड वन इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब ये क्या है, फॉरफीचर यानी कि जब्त करना, कब्जा ले लेना वापस। तो इस पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि शेयर होल्डर जब शेयर जो है इंस्टॉलमेंट में परचेस करता है, उसने ये बताया था कि भाई इसके अमाउंट में एक साथ तो पे नहीं कर पाऊंगा, उसकी जगह पर मैं अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, ये डिसाइड किया था किसने, शेयर होल्डर ने। लेकिन वो शेयर के इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे करने में फेल साबित होता है तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है उसके शेयर जो है फॉरफीचर भी कर सकती है, यानी कि वापस कब्जा ले सकती है, जब्त करना फॉरफीचर यानी तो वापस भी ले सकती है। तो फॉरफीचर से उसके शेयर भी शेयर होल्डर के चले गए और उसका नेम भी मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर में से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर में से उसका नेम भी जो है वो डिलीट हो सकता है। यहाँ तक हमने देखा व्हेन अ शेयर होल्डर्स आर डिफॉल्ट इन अ पेइंग द अमाउंट ऑफ कॉल्स ऑन हिज शेयर आर फॉरफीचर आफ्टर द फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर्स ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड हिज मेंबरशिप कम्स टू द एंड। इस तरीके से मेंबरशिप का एंड भी हो जाता है। देयर शुड बी अ प्रोविजंस इन अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द प्रोसीजर ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इसकी प्रोविजन जो है वो बताई गई है। तो इस तरीके से फॉरफीचर ऑफ शेयर से भी मेंबरशिप का एंड हो सकता है। नाउ फोर्थ वन इज बाय एक्सरसाइज ऑफ द लीन ऑन शेयर होल्डर जब शेयर परचेस करता है तब कुछ ना कुछ जो है कंपनी के पास गिरवी रखता है,
तो जब वो सेल के अमाउंट पे करने में फेल साबित होता है तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, लीन ऑन सेल का प्रिंसिपल जो है वो यूज करती है। इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लीन ऑन सेल इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंड कंपनी एक्साइज दिस इज टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम अ मेंबर्स बाय सेलिंग हिज शेयर हिज मेंबरशिप कम टू एंड व्हेन हिज शेयर आर सोल्ड। इस तरीके से कंपनी जो है वो अपनी अमाउंट रिकवरी करना चाहती है, तो रिकवरी करेगी कंपनी अमाउंट को तो ऑटोमेटिकली जो है ओल्ड पर्सन का नेम जो है वो डिलीट हो जाएगा। इट्स ड्यू फ्रॉम अ मेंबर्स आर सेलिंग हिज शेयर्स हिज मेंबरशिप कम्स टू एंड व्हेन हिज शेयर आर सोल्ड। इट इज अ फोर्थ पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। नाउ फिफ्थ वन इज बाय रिडेम्पशन of the redeemable preference share. In this preference share, company says when a company has issued a preference share, then it returns the amount of the preference share on the completion of redemption period. After the completion of preference share period, company delete a shareholder's name in a membership of registers. As a result, the membership of preference shareholder comes to the end. तो इस तरीके से रजिस्टर में से भी नेम जो है वो उस शेयर होल्डर का डिले हो जाता है। इट इज अ फिफ्थ वन फिफ्थ पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। नाउ सिक्स वन इज बाय मेकिंग अ शेयर अलॉटमेंट वॉइड। व्हेन देयर इज अ ब्रीच of the provision of companies act for the regular allotment of share, then affected shareholder applied to make the irregular share allotment void. As the result, his membership comes an end. Company ने shares जो है वो issue तो किए, लेकिन as per the provision of company act, company ने जो है share issue नहीं किए, तो वो share कैसे हो गए? Already voidable है, cancelable share। कैंसलेबल शेयर से शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये शेयर जो इरेगुलर शेयर अलॉट किए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेंबरशिप का एंड हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये होगा। इट इज अ सिक्स वन सिक्स पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। नाउ सेवन वन इज वाइंड अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी का जब वाइंड अप होता है यानी कि कंपनी जब बंद होती है तब क्या होता है, दिया है When company winds up, it's a business or goes into liquidation, then it's a business comes to an end and membership automatically come to an end. जब company का wind up होता है तब membership का भी automatically ending हो जाता है। तो इस तरीके से winding up of company से भी membership में से terminate हो सकते हैं। Now, last one is by merger and amalgamation of company. When a company is merged into some other company or a new company is established to amalgamate two or more companies, then the member of the company lost their existence and their membership. In such a company, of course, they are acquired a membership to a new company according to a specified condition. कोई कंपनी ऐसी है कि वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, उस टाइम में क्या हो जाता है, उस कंपनी का नेम भी चेंज हो जाता है और उसमें जो पुराना नेम था उस पुराने नेम में से या पुरानी कंपनी में से ओल्ड शेयर होल्डर की मेंबरशिप का एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा कंपनी, एक्चुअल में हीरो एंड होंडा ये दोनों ही कंपनी अलग अलग है। पहले के टाइम में आप देखते होंगे बाइक के अंदर हीरो होंडा दोनों ही एक साथ लिखा हुआ था, लेकिन आज क्या हो गया है, दोनों ही कंपनी जो है अलग अलग हो चुकी है। आज की जो व्हीकल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हीरो लिखा हुआ आता है और होंडा गाड़ी भी अलग हो चुकी है। जैसे कि मारुति सुजुकी, एक्चुअल में मारुति एंड सुजुकी ये दोनों ही अलग अलग कंपनी है, लेकिन दोनों ही साथ में मिलकर के बिजनेस कर रही है। तो कंपनी का नेम हो गया मारुति सुजुकी द वे ऑफ लाइफ। द टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप के टोटल आज हमने 8 पॉइंट्स कंप्लीट किए। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप का एंड होता है यहां पर।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता।